जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू की मुबारक मंडी में हम इस समय मौजूद हैं और हेरिटेज को बचाने को लेकर जिस तरह से युवा रायपुर सभा हमेशा यहां पर बात कर रही है, आज फिर से जो है वो युवा रायपुर सभा के तमाम लोग यहां पर जो है वो पहुंचे हैं और कोशिश यही कि जो इस हेरिटेज को एक होटल में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है वो जो है वो नहीं की जाए। हमारे साथ युवा रायपुर सभा के सर लोग, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्या कहना चाहेंगे सर से? युवा रायपुर सभा जो है वो यहाँ पर मुबारक मंडी में आज पहुंची है। देखो, पहले तो उनका शुक्रिया तो सारे आखने पर आए थे, अज की मौजूदा हालत दसने से तुम आता इतने, अस भी पहली बार विजिट करा दें, बाहरों अस भी बड़ी बार विजिट करिए चलीए। हालत देखो, तुम बिल्डिंग देखो, अगर 350 साल का इतिहास है, देव डायनेस्टी ने बिल्डिंग की बनाया, जेटा अज साड़ी धरोहर है, मगर अज धरोहर की हालत देखो। ये पिछले मैं कैमरामैन साहब भी आखन दसन, ये गोलघर है, उपर जगह है, देखो पूरी पूरी बिल्डिंग डिगी गई, कोई इसी सामने वाला नहीं है। सुनने आया है कि 2019 एक कमेटी बनी ही गवर्नर साहब की अध्यक्षता, कि 5 साल से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरे कंप्लीट का पता नहीं। तो सुनने आया कि 300 करोड़ रुपया आया है, तो 300 करोड़ चू 100 करोड़ लगे, 200 करोड़ वापस चली है, वापस पता नहीं कि वह बद होने गया है ज के करन गए। तो हालत देखो, अज भी मैं लगता कोई 1-2% कम हो, इन्नी माड़ी हालत है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, सनाचा कुसी। अज जी स्टेटें जड़िया धरोहर बची दी, तो वह उतों की लीडरशिप की वजह बची दी, साढ़े जम्मू कश्मीर की लीडरशिप भी ये पर नहीं बोलती। अगर टूरिज्म की गल करचै, जम्मू कश्मीर टूरिज्म पर जिंदा है, वैष्णो देवी दिखो, जिड़ी जिड़ी भी अमरनाथ यात्रा होंगी और भी जेडे धार्मिक स्थल, तो यह भी एक बड़ी बड़ा एक टूरिज्म पॉइंट बनी सकता, मगर सरकार चाहती नहीं। अस आखते कि पहले कश्मीरी हुकूमरान ने डिवेलपमेंट नहीं होती, अज 5-7 साल दी सारी हुकूमत भी हैं, मगर अज कुछ है, अज भी ये स्ट्रक्चर उत्थ खलोते था। अस भी जल्द आपू मुबारक मंडी आते, अस भी बहरू दिखिए चली जाते, कम हो सिर्फ फेस पर कम हो कोई 2-4%, 95-96% कम अज भी नहीं होता। तुहाडे चैनल के माध्यम करना जम्मू कश्मीर के लोगों अस यही आखना चाहे कि जागने की जरूरत है, अपने हैरीटेज की बचाने की जरूरत है। अज साडा हैरीटेज नहीं रोक तो अस भी नहीं रोक। अज की हालत है तुम दिखी लो, तुम आए दे हो साडे कन्ने, तुसें सारा नोट किया, मगर हालत बहुत बदतर है। दिल्ली की सरकार कन्ने भी अपील करके, LG प्रशासन का भी अपील करके कि ये पर बड़ा गौर किए जा। जम्मू अगर इतने आखिर कोई एक झील बना देन, अगर झील के सामने एक चीज़ बनी दी हो तो इतने कोई सुनने ही आया पिछले होटल भी बना देन, तो होटल बन गए इस जगह पर, जेड़ा साड़ा हैरीटेज है होटल बन, उत्थे सब कुछ चलना, फिर शराब भी परोसनी, मीट भी परोसना। तो इतने अंदर अहें दिखाया कि इतने कई देवस्थान भी हैं, तो देवस्थानें पर अगर ये चीज होग तुस बनाओ, इतने कैफेटेरिया बनाओ, लोग आएंगे व्यू पर दिखेंगे, उसकी कोई इतराज नहीं है, मगर होटल नहीं बनना देना। असें एक अगर उकड़ी गल पर सरकार ने अगर अड़ी पकड़ी, तो युवा रायपुर सभा और जम्मू के सारे लोग उस अड़ी का खुली चढ़िया विरोध करेंगे और सड़कें पर आई जाएंगे। इतने होटल नहीं बन देना, असें अपनी विरासत भी बचाना है, असें अपने जो पुराना साड़ा अपना टाइम हाँ, अगर कियां उस आइडेंटिटी अस जिंदा रख सकने, युवा रायपुर सभा हर लिहाज करना तैयार बैठी। बिल्कुल सर, केह आखना चाहगे विक्रम जी, जियां सरकार जी डोगरे की रियासत भी ने ले लीती, डोगरे की पहचान भी हुण छिनने की कोशिश की जा रही है, केह आखना चाहगे? देखो, अहें काफी देर हुई, पहले एक बार 2020 या 2019 मेरे ख्याल एक निकलिया हा टेंडर का, उसलै भी अहें विरोध किया हा, उसलै सरकार ने इसी पोस्टपोन किया, पर उसके बाद क्या होया कि मीडिया च घट आया, पर अंदर अंदर ने उस चीज की प्लानिंग जी वो चला रही है। थोड़ा मैं टाइम लगा तुम्हारा टाइमलाइन में तुम्हें सुना, देखो ये आखते कि रिस्टोर नहीं होता है, कि काफी नुकसान हो रहा है। ये मेरे को सामने रिपोर्ट है इंटेक, ये तो देखो इंटेक की रिपोर्ट है, जी कि दिल्ली च कंपनी है, जिन्हें 2006 च 2005 च अर्थक्वेक आया हा जम्मू च, उस इस बिल्डिंग की थोड़ा सा नुकसान होया हा। इनके कोल के बहाना के है कि 2005 जो अर्थक्वेक होया उस चीज ने बिल्डिंग जी खराब की है, बट ये 2006 च इंटेक की टीम आई दी है, और जिन्ना भी इन्हें सुनाया था, जिन्नी इन्हें रिपोर्ट बनाई, हर एक चीज लिखे था रजिस्ट्रेशन शुड बी प्रायोरिटी, मतलब कि हर एक चीज जी नुकसान हो उस टाइम पर ठीक हो सकता है। जितने तक अहें सुने कोई 150-200 करोड़ की उस टाइम उन्हें बिड मारी ही, कि एक तो यदि मेंटेनेंस और जी रजिस्ट्रेशन है वो अस करके अहें 150 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है वो देई ओड़ो, पर उस टाइम जो भी गवर्नमेंट से उन्हें उस चीज ही मना किया। और 2010 च 296 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ मुबारक मंडी, ये 2010 की गल है, 7/12/2010 296 करोड़ का एक प्रोजेक्ट की गल चलती है कि रीस्टोर जो मुबारक मंडी रीस्टोर करना, उस दिन 296 करोड़ वो भी नहीं होता।
ओदे बाद 2019 च ये मीटिंग मिनट्स मीटिंग दे मेरे कोल पेदे न जिहड़ी सत्यपाल मलिक दे टाइम दी 2019 दी दिखी सकदे हो तुस मीटिंग होई दी है एदे च ओल्लै सत्यपाल मलिक जिहड़े गवर्नर हे साडे एदे च इक प्लान बनदा है ओदे च आखे जांदा है कि रिस्टोर होई सकदा है रिस्टोर करने आ पर कन्ने कन्ने असें केह करना इसी पंज जोन च डिवाइड करी ओड़ना पंज जोन ओदे च इक कैफेटेरिया भी होंदा इक लाइफ स्टाइल होंदा इक म्यूजियम होंदा मतलब अलग अलग तरीके कन्नै होटल ओदे च मेंशन नहीं होंदा ओदे बाद इक 2021 च पता नहीं केह होंदा ओ प्लान दा केह करदे ने फिर जिहड़ा जी मनोज सिन्हा जी जिहड़े हैन 2022 च सॉरी 7 दिसंबर 2022 ए एक और मीटिंग होंदी है और इस मीटिंग च जिहड़ा होटल विच ऐड कीता जांदा किधर हेरिटेज होटल दी काम चलना पहली गल तो मैं तुसें क्लियर करना कि हेरिटेज होटल उस जगह उपर बनता है जिहड़ी कोई राज्य दी पर्सनल प्रॉपर्टी हो मुबारक मंडी 2005 दे एक SRO हा 202 ओदे अंडर इसी जिहड़ा स्टेट प्रोटेक्टेड मोनूमेंट जिहड़ा दर्जा मिला था तुस स्टेट प्रोटेक्टेड मोनूमेंट जिहड़ा ओदे उपर तुस होटल नहीं बनाई सकते पर उसी पता नहीं उन्होंने के उसी बाईपास किया कीता किया इन्हें वो टेंडर कड्ढने की प्लानिंग बनाई दी है किया उस चीज़ के टेंडर कड्ढा देन कि अपने स्टेट प्रोटेक्टेड मोनूमेंट जिहड़ा अगेंस्ट लॉ जी है ओदे ताईं टेंडर कड्ढा दे कि इत्थे होटल बनाना कोई भी किसी भी स्टेट की हो किसी भी जगह की हो अपनी एक आइडेंटिटी होंगी है डोगरें की आइडेंटिटी मुबारक मंडी है क्योंकि इधरों बेहिए अहें 100-150 साल जो तिब्बत तक राज किया तो वो इधरों के सारी प्लानिंग हुई है आर्मी हेडक्वार्टर साड़ी पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सिस इधरों के इधरों के अहें जो भी जंगा लड़िया जो कुछ किया अहें इधरों के किया इतिहास कोई 300 साल पुराना लोग आखते हैं 200 ये है सब तो पहला जो इधर राजा जसदेव है उन्हें बिल्डिंग नहीं बनाई वो ओपन च अपना जो कोर्टयार्ड है इधर लाते हैं बहुत पुराना इतिहास है और इधरों अहें राज किया इस चीज़ की अस होटल बनन देंगे गवर्नमेंट कन्नै अपील है कि रीस्टोर करो इसी जिन्ना जल्दी हो सकता तुंदे कोला और इसी ओपन करो बंद करिए किश नहीं होना बंद करिए तुस जिहड़ा है ना लोकें दी अक्खें च मिट्टी जिहड़ी पा रहे हो ये बंद नहीं रहना चाहिए इसी खोलो जिस हालत च उस हालत च खोलो रीस्टोर करने की कोशिश करो लोग आगन इधर तो पता लगना जिन्ना टूरिस्ट वैष्णो देवी आता है इधर क्यों नहीं डाइवर्ट करते अज तक नहीं किया 2010 से मेरे ख्याल लोहड़ी फेस्टिवल कुछ शायद होता है बैसाखी लोहड़ी फेस्टिवल कुछ करते हैं अच्छा बंदा 1 लाख बंदा आता उस टाइम उत्तर उसके बाद कैसा कुछ मतलब किसने किन्ने प्लानिंग की कि वो चीज़ बंद की किस लिए की है ये चीज़ा कुछ गवर्नमेंट तो पूछनी चाहिए और दूआ यह है कि तोशाखाना जो होता जिन्नी साड़ी पुरानी जो भी आर्टिफिकेट्स है वो इन्हें कड़े तोशाखाना तो कि उसी रेनोवेट करना वो कुदरना वो वापस क्यों नहीं आया इधर जिथे तक अहें सुनिया शायद सैक्टरी जड़ियां कुदै उन्हें उधर रखे दा उन्हें इधर रखो तुस म्यूजियम वधिया बनाओ अपना इधर लोकें आने दियो म्यूजियम च आन अपने बच्चे अपने जिहड़ी हैरीटेज कल्चर अपना दिखन उन्हें पता लगे कि केड़ी जगह तो अस बिलोंग करने आ साडा इतिहास किन्ना पुराना है किन्ना सोहना इतिहास है साडा वो पता लगे ते तां अगे आईए अगे आने वाली जनरेशन जिहड़ी है उन्हें इधर इंटरेस्ट लैना बिल्कुल खत्म करा दी है अस गवर्नमेंट इहे देख सकते हैं कि डोगरों की जो एक पहचान है उसे लेकर आज तमाम आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत ये जगह है लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो सरकार द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर होटल बनाया जाएगा और जिसको लेकर युवा रायपुर सभा जो हुआ है सामने है युवा रायपुर सभा से विशाल सिंह राजपूत जी भी हमारे साथ है विशाल जी क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर पहुँचे देखिए ठाकुर साहब बड़ा दुख की बात है एक ऐसी धरोहरें जो हमारी पहचान है जो हमारी आइडेंटिटी है जो जम्मू कश्मीर का नींव स्थल है यहाँ से यहीं से जम्मू कश्मीर की बाउंड्रियों की रूपरेखा दिशा एक किस्म से कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर को दी गई थी हमारे पूर्व महाराजा जितने भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज बड़े दुख की बात है कि आज इस धरोहर को बचाने की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो है सरकार से ज़्यादा जो हमारे यहाँ के लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है लोकल लोग हैं जहाँ लोकल जो लीडर हैं ये उनकी कहीं ना कहीं नाकामी है कि इस हेरिटेज को बचाने में विफल रहे हैं और आज बड़ा दुख होता है जब हमारे हेरिटेज आप देख सकते हो पूरे भारत में राजस्थान में जाइए जयपुर में जाइए जूनागढ़ में जाइए हैदराबाद में जाइए या साउदर्न इंडिया में जाइए तो आपको एक विशाल हेरिटेज देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं देखने को मिल रहा है 108 से ऊपर किला था हम बात करें जम्मू डिस्ट्रिक्ट की करें आप रामनगर से हो रामनगर में किला देखिए आप उधमपुर में देखिए चनैनी का देखिए अखनूर रियासी सांबा कितने कितने कितनों का नाम लूँ मैं तो कहीं ना कहीं आज बड़े दुख की बात होती है बड़ा दुख होता है कि आज हमारे हेरिटेज की बात कोई नहीं कर रहा आज सरकारें बड़े बड़े वादे तो कर रही हैं कि हम डुग्गर प्रदेश पाएंगे तो डुग्गर प्रदेश ठाकुर साहब डुग्गर विरासत ही नहीं होगी तो डुग्गर प्रदेश कहाँ से बनेगा हम अपने बच्चों को अपनी आने वाली नस्लों को क्या बताएंगे कि हम लोग कौन हैं हम लोग वही हैं
है जिन लोगों ने हिंदुस्तान को ताज दिया है, और ताज उस ताज का जो नक्शा है, उस ताज का जो डिज़ाइन है, इन्हीं महलों से बना हुआ है। इसलिए हमें ज़रूरत है इन महलों पर बात करने की, इन महलों को बचाने की। अगर ये महल ही नहीं होंगे तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो अपने आप को डोगरा नहीं कह पाएगी। इसके लिए डोगरा आइडेंटिटी को बचाना जरूरी है और इन महलों पर काम करना जरूरी। बिल्कुल, युवा रायपुर सभा का साफ तौर पर ये कहना है कि डोगरों की आइडेंटिटी को जो है वो खत्म नहीं किया जाए। एलजी साहब से भी अपील की गई है कि आप डोगरों की आइडेंटिटी को जो है वो बरकरार रखें, बल्कि अगर आप इस तरह का काम यहाँ पर कोई करते हैं, होटल बनाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं डोगरों की ये ऐसा लगेगा कि डोगरों की आप पहचान को जो है वो खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। आप जनता अपने सुझाव इस पर जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।